सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्राफ्टर एसएमसी। तो आज दिन आ चुका है गाइस जहाँ पे हम खरीदने वाले रेडर एक्स और जिसको मैक्स करने वाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे प्यार से कुछ लवली कमेंट, उसका लवली वाला शार्ट आउट और चलते हैं वीडियो की तरफ को। तो गाइस वो सब करने से पहले आपको एक और चीज़ बतानी थी, एक नया अपडेट आया था हम लोग जो शेडर पैक यूज़ करते हैं उसका। तो मैं आपको पहले ले जाता हूँ, मैं बताता हूँ मैं कौन सा शेडर पैक यूज़ करता हूँ, मतलब शेडर नहीं रिसोर्स पैक। तो आपको पता है कमांड नॉर्मल सा, तो मैं यूज़ करता हूँ मिनिली जो भी इसका नाम है। इसका वर्जन अभी 1.9.9 चल रहा है जिसके अंदर एक मस्त सा अपडेट आया है अगर ये आप रिसोर्स पैक यूज़ करते हो तो। तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि देखो ये मैंने कोबलस्टोन हाथ में लिया है, तो आपको पहले ये दो दिख रहे होंगे एरोस, बट आप पहले नॉर्मल तरीके से आप ऐसे फेंकते होंगे, ठीक है। बट ये अपडेट आने के बाद आपको यहाँ पे एक ड्रॉप का ऑप्शन मिलता है। अब वो एक जो भी आपको चीज़ फेंकनी है उसके ऊपर क्लिक करो, और मतलब अगर आपको एक ड्रॉप करना है तो वो एक के ऊपर ड्रॉप करो, मतलब क्लिक करो। अगर आपको स्टैक में फेंकना है तो वो नीचे वाला जो था इंटू 64 उसके ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। और अब दूसरी चीज़ ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको जो बताने वाला था माइनिंग कलेक्शन में, मैं आपको हर बार बोलता था कि मैं कोल मिनियन क्यों रखा है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। हमारा कोल मिनियन का 9 लेवल अनलॉक होने वाला, बट हमारा जो 8th लेवल है जो कि था एन्चांटेड लावा बकेट का, जो आपके मिनियन की स्पीड इंटू 25 कर देती है अनलिमिटेड टाइम के लिए, बट उसको बनाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ही टफ है, बिकॉज 3 आयन इंगट चाहिए होते हैं, साथ ही साथ आपको दो एन्चांटेड कोल के स्टोन मतलब ब्लॉक्स चाहिए होते हैं, और वो बनते हैं आपके दो एन्चांटेड कोल के स्टैक से प्लस आधा स्टैक। तो अभी हमारे पास इतना नहीं है, बट आई होप सो नेक्स्ट वीडियो तक मैं पक्का वो कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे हर एक मिनियन की स्पीड इंटू 25 हो जाएगी, ठीक है, जो मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करेंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम। तो अभी कोल मिनियन से मैंने कोल तो निकाल दिया, देखते हैं मैं एक्चुअली ये करके रखता हूँ इंटू 64, तो इससे देखते भाई सिर्फ और सिर्फ 9 एन्चांट मिला भाई। और साथ ही साथ मेरे पास अभी 106 एक्सपी है, बट यार रेडर एक्स को मैक्स करते वक्त ये 106 भाई कुछ भी नहीं है सीरियसली, बिकॉज मेरे को सारी एन्चांटमेंट लगानी है। जैसे कि मैंने मेरी तलवार को मैक्स करके रखा है, मेरे को ऐसे ही रेडर एक्स को मैक्स करना है, समझ रहे हो। तो भाई देखो ये रही एन्चांटेड ब्लॉक की रेसिपी, और आप खुद ही देख सकते हो भाई कितना सारा आपको एन्चांटेड कोल चाहिए, मतलब 5x32 चाहिए खाली उसे एक एन्चांटेड कोल का ब्लॉक बनता है। ऐसे मेरे को दो मतलब 5+5 10 चाहिए, 32 करके भाई साहब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। तो अभी मैं बैंक में आ चुका हूँ, और अभी आप सब सोच रहे होगे कि मैं बैंक में क्यों आया हूँ। तो गाइस फाइनली आज मैं लेने वाला हूँ हमारी रेडर एक्स। जी हाँ गाइस रेडर एक्स। तो मैंने मेरा सारा पैसा जितना भी था मैंने सब का सब निकाल दिया है, आप देख सकते हो अप्रॉक्सली 3 लाख रुपीज़ है, ठीक है। आज फाइनली हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं, रेडर एक्स लेने वाले हैं, और इसी की वीडियो मतलब आज की वीडियो के अंदर ही हम हमारी पूरी रेडर एक्स को फुल्ली मैक्स करने वाले। जी हाँ सारी एन्चांटमेंट्स के साथ, जो भी एन्चांटमेंट मैं लगा सकता हूँ सारी की सारी मैं उसमें लगाने वाला हूँ, और उसको फिर हम चेक करने वाले हैं कि भाई वो कैसी है। मेरा दोस्त बोल रहा है भाई बहुत ही खतरनाक रेडर एक्स है। तो अब हम लोग आ चुके हैं गाइस स्प्रूस जोन के अंदर। हमारे को जहाँ जाना है वो है हमारे वो चाचा जो दाढ़ी वाले थे, अगर आपको याद होगा हमारी पुरानी मिशन का, जहाँ पे हम लोग को हमारी रेसिपी अनलॉक हुई थी इनके वजह से, जो थी एन्चांटेड वाटर बकेट की। तो हमें वापस से वहीं जाना पड़ेगा, तो मैं वापस आके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं वो चाचा के पास, और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता इसलिए मैंने डायरेक्टली शॉप मेन्यू पर आ गया हूँ। और आप देख सकते हो भाई डैमेज 80+, स्ट्रेंथ +2, 1 to 1, और पर किल का वगैरह जो भी है मेरे को ये पता नहीं है, बट मैं अभी खरीद ही लेता हूँ, मेरे को चाहिए ही चाहिए भाई जो भी हो सकता है। तो एक हम लोग ने क्वांटिटी लिख दिया और हमारे पास आ गया क्या। जी हाँ गाइस हमारी रेडर एक्स ऑफिशियली हमारे पास आ चुकी है, और अब मैं जा रहा हूँ फटाफट से हमारे आइलैंड पे। तो आइलैंड पे गाइस जाके मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सटासट से हम लोग एन्चांट करने वाला हमारी रेडर एक्स को। तो आई थिंक सो हमारी रेडर एक्स ये रही, इसके ऊपर मैं शार्पनेस 5 लगाने वाला हूँ, जो कि ये रहा जो 30 एन्चांटमेंट लेता है भाई, ज़्यादा ही लेता है पता है मेरे को। तो अब मैं लगाने वाला हूँ, हमारा ये लग चुका है, फिर अब मैं लगाने वाला हूँ इसके ऊपर टेलीकसिस लगाना पड़ेगा, फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें लगानी है, बट सबसे पहले थंडर लॉर्ड लगाने वाला हूँ जो कि लेता है 40, देख सकते हो भाई बहुत जल्दी जाता है, ठीक है। अब मैं लगाने वाला हूँ टेलीकनिस, इसके लिए भाई फायर एस्पेक्ट्स के लिए 30 चाहिए, टेलीकनिस के लिए भी शायद से बहुत कम चाहिए होता है, टेलीकनिस के लिए शायद बहुत ज़्यादा ही कम चाहिए होता है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, टेलीकनिस मैंने शायद लगा दी हुई भाई, मेरे को टेस्ट करना है भाई। हेलो एंडरमैन बबुआ, भाई ये जस्ट 1 हिट ले रही है भाई, ये 1 हिट ले रही है, अभी तक तो ये मैक्स भी नहीं हुई। मैंने आप देख सकते हो यार
इसके ऊपर से फायर एस्पेक्ट 2 अभी लगा हुआ है, एक तो शार्पनेस 5, थंडर लॉर्ड, नए फायर एस्पेक्ट 2। अभी तो सिर्फ 3 ही एन्चेंटमेंट लगी और ये ऐसी खतरनाक बन गई है भाई। आगे मैं और एन्चेंटमेंट्स लगाऊंगा तो भाई ये कितनी खतरनाक हो जाएगी मैं वो सोच रहा हूँ। ये मेरी स्वॉर्ड है जिसके ऊपर मैंने देखो इतना सब लगाया, तब जाके थोड़ी बहुत भी मतलब कह सकते हो 300 या 400 आसपास का डैमेज देती है, ठीक है। तो मैं अपने इसके ऊपर लगाने वाला हूँ टेलीकिनेसिस, 5 का एक्सपी ले रही है। चलो भाई टेलीकिनेसिस अच्छी है भाई, 5 का ले रही है। और मेरे को और भी लगाना पड़ेगा, वैम्पायरियम मेरे को लगाना पड़ेगा, बट भाई यार 50 लेवल ले रहा है तो ये आगे जाके लगा लेंगे, बट आगे जाके नहीं अभी अभी लगाएंगे हम लोग भाई। इसको मैक्स करनी है हमें भाई, कुछ भी हो जाए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसको मैक्स करने वाला हूँ, चाहे मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाए। जो भी हाँ वैसे ख़त्म तो हो चुका है ऑफिशियली, हम वापस भिखारी बन चुके हैं। तो मेरे को क्रिटिकल बनानी है, एक वेनमस बनानी है, बहुत सारी बनानी भाई, ठीक है। तो मैं एक्चुअली थोड़ी बहुत तो बुक्स बना के लेके आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। हमारी कहाँ चली गई यार, नीचे जाना पड़ेगा एक सेकेंड। ये रिकम्बस फाई और मैं ये सब बुक्स बना के लेके आ चुका हूँ। ये ऑलरेडी मेरे कुछ मिनियंस की वजह से रेसिपी ओपन हो चुकी थी, तो मैं ये बना के लेके आ चुका हूँ। तो मेरे को फटाफट जितनी जल्दी हो सके मैं लगाने वाला हूँ। सबसे पहले तो कम्बस्किन लगाने वाले हैं रेडर एक्स के ऊपर। कम्बस्किन गाइस एक्चुअली आपको ये हेल्प करेगा, कम्बस्किन जो होता है वो आपको हेल्प ये करता है कि आपके देखो यहाँ पे लिखा होगा कहाँ चला गया कम्बस्किन। एक्चुअली आप क्रीपर को मारते हो वगैरह तो उसके अंदर ये इसका कुछ ज़्यादा ही डैमेज देता है, ठीक है। और जो वेनमस होता है वो अगर आप वेनमस 4 या 5 लगाते हो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो जो भी मॉब्स होते हैं ना, जो नॉर्मली मॉब्स होते हैं उनकी वो पॉइजन दे देता है उनको, और उनकी स्पीड वो थोड़ी स्लो कर देता है। तो विच इज़ रियली हेल्पफुल, अगर आगे जाके आप लोगों उनको मारना हो तो आप आराम से मार सकते हो और वो ज़्यादा तेज़ स्पीड में भाग भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हो। तो गाइस हमारे को अभी थोड़ी देर मार्केट में जाना पड़ेगा, मेरे को कुछ काम है आई थिंक। मेरे को एक्चुअली लेना है कोल, कोल मेरे को ज़्यादा रिक्वायर्ड है अभी के लिए, बिकॉज आप जानते हो यार हमें एन्चांटेड लावा बकेट बनानी है, बट जितना उसके लिए हो सकता है मैं ट्राई करने वाला हूँ। अगर आज की वीडियो में एन्चांटेड लावा बकेट हमारी नहीं बनती तो मेरे को सैडली कहना पड़ेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाऊंगा और उसकी आपको बता भी दूंगा कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हो और कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस इस पूरे सर्वर के अंदर मैं आपको बता दूँ तो देखो मैं कोल ले लेता हूँ, मैं जितना कोल ले सकता हूँ उतना लेने वाला हूँ, जैसे कि 134 वगैरह। तो गाइस ये कोल का जो भी मेरा काम है वो सारा काम बताने के बाद ही मैं आपसे मिलने वाला हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इनको फिर एन्चांट करना है, फिर इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरा जितना हो सकता है वो सब सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आपको मिलूंगा, ठीक है। तो गाइस हमारा 16 एक्सपी और हो गया था, मैं आधा काम छोड़ के वापस आया, मैंने देखा मेरा 16 एक्सपी हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे वेनमस की जो 4 की जो बुक है, मैंने आपको जैसे बोला था ये मतलब कुछ मॉब्स को पॉइजन दे देती है और साथ ही साथ उनकी स्पीड स्लो करती थी, जिससे वो जो सामने वाला मॉब होता है वो आपके पास भाग के नहीं आ सकता, ना ही आपके पीछे भागेगा। तो इसके लिए 16 एक्सपी चाहिए थी और फाइनली हमारा वेनमस भी लग चुका है। बट अभी भी मेरी 2 एन्चेंटमेंट्स है जो कि है स्कैवेंजर और अपना क्या बोलते हैं फर्स्ट स्ट्राइक और क्रिटिकल, ये 3 अभी तक मैंने अभी तक नहीं लगाई है, वो मेरे को बनाने पड़ेगा। आप देख सकते हो देखो कम्बस हमारी लग चुकी है, अब हमारी फर्स्ट स्ट्राइक स्कैवेंजर और क्रिटिकल ये नहीं लगी हुई है, तो ये मेरे को लगानी पड़ेगी। बट मेरे को देखना पड़ेगा कि यार ये किस किस में मिलती है। तो गाइस इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मैं खुद आपको बताऊँगा कि ये कैसे बनती है, कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको सब बनाने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मेरे को मिल गया था, मेरे को बहुत ज़्यादा बुला रहा था, तो मैं उसके हाइफर मास्टर के पास गया और ये पता नहीं कहाँ लेके आ गया, और ये मेरे को सीरियसली नहीं पता गाइस कि ये क्या है। तो अगर आप में से किसी लोगों को पता हो तो प्लीज़ यार ज़रूर कमेंट करना कि ये कौन है भाई, ये इंसान करता क्या है। सीरियसली मेरे को नहीं पता, बट मैं हाइफर से पूछता हूँ, अगर शायद क्या पता हाइफर को पता हो, क्योंकि वो ही मेरे को लेके आया। आई थिंक दैट रिमूव है, मतलब समझा नहीं भाई भाई इसका मतलब, यार हाइफर को भी नहीं पता है। तो गाइस आप में से जिसको भी कुछ पता हो ये इंसान के बारे में तो प्लीज़ यार मेरे को ज़रूर बताना। और भाई हमारा एक और दोस्त ज्वाइन हो गया है, टेक्नो बॉय भी ज्वाइन हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आइलैंड पे जा रहा हूँ, मेरे को बहुत सारा काम है भाई, मेरे को बहुत सारी एन्चांट्स करनी है। हमारा एक्सपी 52 है अभी, बट मेरे को और भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेवल का ही लगाने वाला हूँ भाई, जितना हो सके मैं 4 लेवल का ही लगाने वाला हूँ। तो हमारे पास अभी क्रिटिकल 4 की बन चुकी है। तो गाइस क्रिटिकल 4 जो होती है वो आपको आपके डायमंड लेवल 4 से मिलेगी,
ठीक है, डायमंड लेवल 4 से मिलेगी। तो हम ये फटाफट लगा देते हैं भाई। चलो रेडर एक्स आ गई और यहाँ पे क्रिटिकल, ये रे भाई क्रिटिकल 4, ये 16 AP ले रही है भाई, दे दो इसको। तो भाई फाइनली हमारे क्रिटिकल भी लगा, बट यार फर्स्ट स्ट्राइक नहीं लगाया अभी तक। फर्स्ट स्ट्राइक का भी मैं देख लेता हूँ, फर्स्ट स्ट्राइक के लिए मेरे को यहाँ पे से कितनी XP चाहिए होगी। स्कैवेंजर मैं लगा सकता हूँ आई थिंक सो। हाँ तो गाइस स्कैवेंजर बताओ, तो स्कैवेंजर आपको मिलने वाली है गोल्डन वाले इंगट से, मतलब गोल्ड इंगट लेवल 3 से, ठीक है, लेवल 3 या लेवल 4 से आपको मिल जाएगी स्कैवेंजर की। तो मैं जितने एन्चांटमेंट ये बना सकता हूँ, मैं बनाने वाला हूँ कोल, एन्चांटेड कोल। तो हमारे ये सील टच है, ये कोल लेवल 2 में खुल जाती है, 3-2 या उसमें खुल जाती है। तो भाई हमारा दोस्त आया था, उसको थोड़ा बहुत इंगट चाहिए था, तो मैं उसको इंगट दे देता हूँ, एन्चांटेड इंगट आयन के, तो मैं उसको दे देता हूँ। और इससे मैंने थोड़ी बहुत EP की बॉटल ले ली है, जिससे मैं अपना XP बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लैपिस इतना है नहीं कि मैं बना लूँ। तो मैंने उसको बोला था कि तू मेरे लिए थोड़ी सी भी, मतलब 3 या 2 तो बना के लेके आ, जिससे मैं अपना लेवल बढ़ा सकूँ। तो भाई इसे ले लिए, तो मेरा अप्रोक्सली 57 हो चुका है भाई, थैंक यू। तो भाई मैं जितनी जल्दी हो सके इसको भाई इसके ओके ठीक है भाई, इसके मैं और मांगना है भाई मेरे को, भाई तेरे पास और है कि नहीं। तो भाई ये सारा मेरे को दे देगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है इसको बनाते वक्त भी। तो गाइस अब हम लोग फर्स्ट स्ट्राइक तो लगा सकते हैं, बट मैं लेवल 4 नहीं लगा सकता, बट मैं लेवल 3 लगा सकता हूँ। बट कोई बात नहीं यार, हमारी फाइनल एन्चांटमेंट्स ये लगने गई, और लगने के बाद हमारा पूरा स्किल लेवल एन्चांटिंग का हमारा लेवल 11 का हो गया। बट साथ ही साथ गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो रेडर एक्स है वो हो चुकी है मैक्स। अब इसके आगे मेरे को बस खाली एक नॉकबैक की लगानी है, वो नॉकबैक की मैं, नॉकबैक 2 आती है, नॉकबैक 2 कभी मैं बाद में लगा दूंगा। बट यार चलो टेस्ट करने चलते हैं हमारे क्रीपर चाचा। भाई 541 का डैमेज दिया भाई, देखा आपने इसको कितना दे रही है भाई, 6691 का डैमेज भाई साहब, इतनी OP है भाई। भाई ये तो फिर एक्स नाम की है, ये तो तलवार है भाई। चलो भाई इसका देखते हैं इसको कितना देती है, 541 ठीक है, 1354 भाई, ये तो मेरी तलवार से ज़्यादा खतरनाक है, मतलब भाई कुछ ज़्यादा ही OP है यार ये भाई। मतलब इसके लिए मेरा दोस्त बोल रहा था कि भाई रेडर एक्स वन ऑफ द बेस्ट है यार। चलो भाई इसके लिए भाई तुम ही धराओ भाई, 541 इसका कॉमन है भाई, सीरियस में तो 541 कॉमन है, खतरनाक है भाई साहब एक। तो गाइस रेडर क्यों बोल रहा हूँ, रेडर एक्स तो बहुत ही ज़्यादा ही OP है, तो मेरा जो पैसा था पूरा वर्थेड हुआ है। बट आप लोगों को वीडियो में ज़रूर मज़ा आया होगा, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपनी कमेंट भी ज़रूर करना अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू अपना क्राफ्टर SMC। तब तक लेके सी यू, टाटा एंड बाय बाय।